हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हम नया बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दाल पीस रही हूँ। तो मैंने दाल को रात में ही भिगो के रख दिया था और अभी हम दाल को पीसेंगे। ये देखिए, खूब महीन मतलब बारीक पीसना है, खूब पतला पीसना है इसको बेसन की तरह, और उतना भी नहीं खूब पतला, मतलब जैसे कि दाल एक भी न दिखे, इस टाइप पे हमको इस दाल को पीसना है। तो मैं दाल किस लिए पीस रही हूँ वो तो आगे की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। मैं कोई पकौड़ी, कोई बड़ी, कोई कचड़ी कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, कुछ अलग ही बनाने वाली हूँ साग को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो में क्या है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कुछ अलग है, कुछ नया है, शायद आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो आगे बताऊँगी। और यहाँ पे हम पहले पीस लेते हैं। तो यहाँ अब देख रहे हैं कि मेरे घर में काम चल रहा है कि प्लास्टर, मेरा घर जो है प्लास्टर हो रहा है, तो उसी का काम हो रहा है। तो पूरे किचन को मैंने इस बरामदे पर ले आया है। तो अभी मेरा किचन कुछ इस तरह से अभी दिखता है, मतलब एक टेबल रख दिया है, टेबल पे गैस चूल्हा सब रख दिया है, और खाना पीना जैसे तैसे जहाँ मर्जी वहाँ पर ही, गैस पर तो गैस पर ही छोड़ देते हैं। तो अभी कोई चीज़ का ये नियम में नहीं कि कोई चीज़ कहाँ रखूँ। इस टाइप पे सामान इतना ज़्यादा है कि सारा सामान एक ही घर में मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है अभी। तो इस टाइप पे होता है ऐसे, तो रात में बनाते हैं तो रात में खाना बनाओ खाओ ख़त्म हो जाता है, दिन में फिर खाना बनाओ खाओ, और जो भी थोड़ा मोड़ा बचता है तो उसके बाद हम रख देते हैं कहीं पे, मतलब इसको मतलब निकाल के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम खाना निकाल देते हैं। तो मैं खाना निकाल रही हूँ, मैं खाऊंगी और आयुष खाएगा, तो आयुष मेरे साथ ही खाएगा। तो यहाँ पे हम खाना निकाल लेते हैं क्योंकि उसको भूख लगा है, और मुझे तो उतना सवेरे भूख नहीं लगता है, तो इसको स्कूल भी जाना है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ ना 9 बजे से 9 बजे तक मतलब खाना बन जाता है सभी के घर में। तो 9 बजे तक खाना, 9 साढ़े 9 बजे तक आपको खाना बन जाता है। यहाँ पे नाश्ता और खाना लंच दोनों एक ही साथ बनता है। जिसको नाश्ता खाना है खा लेते हैं, और उसके बाद नाश्ता खा के उसके बाद जो जिसको जाना रहता है वहाँ चल जाते हैं, फिर लंच आता है तो वही वाला खाना खाते हैं। तो गांव में सबके घर में ऐसे ही होता है, नाश्ता लंच एक ही साथ बन जाता है। और यहाँ पे मिर्ची के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ कि ये साग है बथुआ का साग। ऐसे तो बहुत सारा बथुआ का साग रहता है, 1 किलो 2 किलो, तो हम लोग ऐसे तौलते नहीं हैं, तो अंजाद रहता है क्योंकि खेत से तोड़ के लाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं तो मैं सभी साग को इस तरीके से एक एक करके बीच के यहाँ पे एक लाइन से रख देती हूँ, और इसको सुखाना है बीच के। मैं अभी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस टाइप से सभी साग को एक एक करके बीच के रख लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम सुखाएंगे इसको, एक दिन सुखाना है और धूप में। और यहाँ पे देखिए इस टाइप से सुखाना है आपको, धूप में सुखा रहे हैं। अब बहुत सारा रहता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ, गाँव में बहुत सारा बनता है बिरिया, तो हम लोग यहाँ पर बिरिया बोलते हैं। तो ये देखिए साग इस टाइप पर सूख गया है, और साग सूख एक दिन सुखाएँगे, या तो धूप कम रहता है तो 2 दिन सुखाएँगे, तो इस टाइप पे। और यहाँ पे देखिए साग क्या वो वाला जो हमने पीसा था दाल को, तो यहाँ पे मेरे मतलब सासू मम्मी मेरे सास वो बना रही है, तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मतलब मैं दाल पीस के उनको दे दी थी कि आप बनाओ, और मैं दूसरा काम में लग गई थी, तो वो बैठे बैठे बना देती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से करना है आपको, ये हाथ के इस टाइप से चौड़ा कर देना है, और यहाँ पर देखिए इस टाइप से आप लेंगे, ये देखिए इस टाइप से साग लेंगे, और उसके बाद इसमें डुबाएंगे, और उसका जितना भी इस टाइप से लेके उसके बाद जितना भी पानी है सभी पानी को गार देना है, और ज़्यादा जोर जोर से नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करना है। और यहाँ पे देखिए पूरे पानी को इस टाइप से गार देना है, और पानी गारने के बाद इस टाइप से आपको चौड़ा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से आप गोल भी बना सकते हैं इसे, और चौड़ा भी ये करके। तो यहाँ पे ये देखिए साग इस टाइप से लेंगे, और उसके बाद बनाए आप ये ना, बथुआ का भी बनता है, और खेसारी का भी बनता है, चने का बनता है, और मटर की साग का बनता है, आप कोई भी साग ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक होता है ना कि आप खेसारी के साग जो होता है, खेसारी के साग को आप मतलब इस टाइप से खूब काट दीजिए, जैसे साग बनाने के लिए काटते हैं उस टाइप से काट देते हैं, उसको सुखा देते हैं धूप में, और सुखाने के बाद ये मतलब स्टोर करके रख लेते हैं, जब मन करता है तब बनाने का, उस टाइम में 1-2 महीने के बाद।
तो बना के खाते हैं, पानी में उबाल के तो बना देते हैं। और ये वाला जो मैं बना रही हूँ दाल में, इसका मैं सब्जी एक किसी वीडियो में सब्जी भी बना के बताऊँगी कि इसका सब्जी कैसे बनता है। तो मेरे चैनल को पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तब भी ना नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको सुखाना किस टाइप पे है, ये देखिए, ये आप दो तीन दिन इसको लगातार सुखाएंगे, दो तीन दिन ये इस टाइप से आपको मतलब कर तोड़ेंगे ना, तो आप ये अपने आप टूट जाएगा, चुरचुर हो जाएगा, मतलब एकदम हाथ में अगर कस के मतलब ये करेंगे तो एकदम पूरे मतलब चुरा जाएगा, पूरे टूट जाएगा। तो इस टाइप से अगर सूख जाए तब आपको मतलब हटा लेना है, आपको बांध के डिब्बा में या पन्नी में करके रख लेना है। आप इसको 5-6 महीना आराम से खा सकते हैं। और बीच बीच में अगर मन हो अगर तो आप धूप में थोड़ा थोड़ा धूप भी लगा सकते हैं, ताकि अगर ज़्यादा दिन छोड़ देंगे ना तो इसमें कीड़ा भी लग जाता है, जैसे छोटे छोटे कीड़ा जो लग जाते हैं अदौड़ी में, तो इस टाइप पे होता है। और यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ बना रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, तो यह है बासी भात। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे भोज था, भोज दावत शादी का, तो उसी के जो खाना आया था ना, तो बहुत सारा भात बच गया था चावल। तो मैंने क्या किया, उसको चावल में क्या किया, नमक मिर्ची गरम मसाला ये सभी मिला के उसको हाथ से खूब अच्छे से मैश करके, और उसके बाद हम यहाँ पे दनौरी बना रहे हैं। तो इस टाइप से बना देंगे, उसके बाद ये जब सूख जाएगा तो हम इसको तल के खाएंगे। अभी हम दिखाती हूँ, तो ये वाला वीडियो मैं नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मतलब फेंको मत, ये बना लो तो अच्छा लगेगा, नहीं नहीं तो मैं माल को मतलब भैंस को बकरी को भात दे देती, कोई भी चीज़ मेरा बच जाता है ना, तो मैं जिसके पास मतलब भैंस बकरी गाय सब है तो इसको हम दे देते थे, तो वो लोग दे देते उसको जानवर को। तो मैंने भी कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं कि, तो यहाँ पे मैं बना तो रही हूँ लेकिन अभी तक तल को तल के तो नहीं देखी हूँ, लेकिन अच्छा ही लगेगा क्योंकि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दिए थे तो अच्छा लग रहा था, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आएगा ना। देखिए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं कैसा लग रहा है ना, बड़ी ये सूखने के बाद ना अच्छा है दिखता है, छोटा छोटा हो जाता है सूखने के बाद, और इतना सारा बड़ी बन रहा है अब ना चावल के आटा का, मतलब ये सब नहीं बनता है वो सब बनाने का, लेकिन अच्छा धूप निकलता है अभी। तो अभी तो मेरा घर का काम है चल रहा है, उसके बाद हम थोड़ा सा डिजाइन दिखाएंगे कि क्या सब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं डिजाइन, ये देखिए पीओपी का है, तो ऐसा डिजाइन बनाना है पीओपी का, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये डिजाइन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो ये डिजाइन जरूर इसका पहले वीडियो को कमेंट करिएगा। तो मैं अगले वीडियो लेके आऊँगी कि मेरे घर का काम कहाँ तक हुआ है, क्या क्या सब मेरे घर में हुआ है, क्या सब बाकी है, तो मैं सारा वीडियो एक वीडियो बनाऊँगी, कल का वीडियो में आएगा तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। बाय फ्रेंड।